Hello everyone, I am Priyanka and welcome back to the channel Pretty Planet. And today's topic is everyday makeup for newly married. मेकअप से पहले हम करेंगे स्किन केयर और अब मैं टोनर अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि फेस वॉश मैं पहले से ही कर चुकी हूँ और टोनर के लिए मैं यहाँ पे ली हूँ गुड वाइब्स का हनी टोनर. टोनर के बाद मैं यहाँ पे मॉइस्चराइजर अप्लाई कर रही हूँ और मॉइस्चराइजर के लिए मैं यहाँ पे ली हूँ पॉन्ड्स का अल्ट्रालाइट जेल. ये एक एवरीडे मेकअप है इसीलिए मैं यहाँ पे फाउंडेशन यूज़ नहीं कर रही हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे ली हूँ लैक्मी का सीसी क्रीम. बस इतना ही छोटा सा अमाउंट हम लेंगे और इसको ऐसे ही फेस पे डैब डैब करके लगाएंगे और ब्यूटी ब्लेंडर से इसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे. हमेशा वेट ब्यूटी ब्लेंडर ही यूज़ कीजिए, इसमें आपको अच्छा फिनिशिंग आता है और आपका बेस जो है बिल्कुल भी केकी नहीं लगता. अब मैं लगा रही हूँ लिप बाम, ये है ब्लू हेवन का लिप बाम. अब मैं लगा रही हूँ कंसीलर, ये स्टे क्विकी का मिनी कंसीलर है. कंसीलर को हम जहाँ जहाँ पे भी हमारा डिस्कलरेशन है अंडर आई पे या फिर जहाँ पे हमको थोड़ा हाईलाइट करना है वहाँ वहाँ पे थोड़ा थोड़ा अप्लाई करेंगे और अप्लाई करने के बाद इसको भी वही ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे. कंसीलर तो अब पूरा ब्लेंडिंग हो गया, अब हम ये बेस को फिक्स करेंगे ये वाला कॉम्पैक्ट से और ये है लैक्मी का 925 कॉम्पैक्ट पाउडर. अब हम करेंगे फेस कॉन्टरिंग. ये वाला स्टेप को आप स्किप कर सकते हो. अगर आपका फेस पतला है तो कॉन्टरिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आपका फेस थोड़ा चौड़ा है तो फिर आप कॉन्टरिंग कर सकते हो आपका फेस को शेप मिलाने के लिए. यहाँ पे मैं नोज़, फोरहेड, चीक्स ये सब को कॉन्टरिंग कर रही हूँ और उसको भी अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ. अब हम लगाएंगे ब्लश जो कि मस्ट है. नई दुल्हन ब्लश के अलावा कैसे मेकअप ले सकती है. मैं यहाँ पे फेसेस कनाडा का पैलेट यूज़ कर रही थी. अब हम करेंगे हाइलाइटर जो कि है ये स्टिक्स है, ये है इनसाइड का डुओ स्टिक काउंटरिंग एंड हाइलाइटिंग स्टिक. इसमें हम हाईलाइट करेंगे. हाईलाइट में वही नोज, चीक्स, क्यूपिड बोन और आप चाहे तो थोड़ा आईब्रो के पास भी हाईलाइट कर सकते हैं, मैं यहाँ पे नहीं की हूँ. उसके बाद मैं यहाँ पे आईब्रो लगा रही हूँ, ये ब्लू हेवन का ब्राउन आईब्रो है. आईब्रो एक अच्छे शेप में आ गया. मेरा आईब्रो बहुत पतला दिख रहा था, अभी थोड़ा ठीक ठाक दिख रहा है. डन. अब हम यूज़ करेंगे आईशैडो. आईशैडो के लिए भी मैं वही ब्लू हेवन का ये छोटा सा आईशैडो पैलेट यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ. मैं यहाँ पे दो कलर यूज़ कर रही हूँ, एक है पिंक
और दूसरा है एक लाइट येलो, आप उसको बोल सकते हो। एग्जैक्टली कलर क्या, नाम क्या है मैं बोल नहीं सकती। आपके हिसाब से भी ये वाला कलर नहीं लेके आप और किसी कलर भी यूज कर सकते हो, या फिर आप आपके ड्रेस के अकॉर्डिंग भी आप आई शेडो कर सकते हो। ये बहुत ही इजी आई शेडो है, आप बहुत ही कम टाइम में ये वाला आई शेडो आप बना सकते हो। अब हम अप्लाई करेंगे मस्करा। मस्करा के लिए भी मैं यहाँ पे इनसाइट का मस्करा ही ली हूँ। ये वाटरप्रूफ नहीं है क्योंकि डेली यूज़ के लिए आप विदाउट वाटरप्रूफ वाला मस्करा ही यूज़ कीजिए, क्योंकि डेली अगर आप वाटरप्रूफ वाला मस्करा यूज़ करेंगे उसको रिमूव करने में भी आपको बहुत परेशानी झेलना पड़ सकता है। मस्करा लगाने के टाइम लोअर लैशेस में मस्करा लगाना भी कभी मत भूलिएगा। अब हम लगाएंगे आईलाइनर। ये इनसाइट का आईलाइनर है, ये स्केच वाला आईलाइनर है जिसको कि लगाना बहुत ही आसान है, और जो बिगनर्स है जिनको आईलाइनर लगाना अच्छे से नहीं आता है वो इससे स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो लिक्विड वाला आईलाइनर है वो जो पहले बिगनर्स है उनको लगाने में थोड़ी परेशानी आ सकती है। इसीलिए अगर आप बिगनर्स हो तो ये वाला जो स्केच वाला आईलाइनर है आप इसको ट्राई कीजिए। अब हम लगाएंगे लास्ट बट नॉट द लीस्ट लिपस्टिक। यहाँ पे भी मैं अपने हिसाब से कलर ली हूँ, आप आपके हिसाब से किसी भी कलर ले सकते हो। और उसके बाद मेन एसेंशियल जो है सिंदूर। मैं यहाँ पे लिक्विड सिंदूर ली हूँ, आप किसी भी सिंदूर को यूज़ कर सकते हैं, लिक्विड सिंदूर भी यूज़ कर सकते हैं और पाउडर वाला सिंदूर भी, और या फिर आप बिंदी भी यूज़ कर सकते हैं। एंड दिस इज़ माई फाइनल लुक। हाउ इज़ इट गाइस? इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।